नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंटर कोचिंग क्लासेस में। मैं राजमिश आपके लेके आया हूँ फिनॉल और एथिल अल्कोहल में अंतर, जो कि आता है विभेद में। ये 12th क्लास का टॉपिक है विभेद, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आपको अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं जिनमें आपको अंतर निकालना होता है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ये आपके पेपर में जरूर जरूर आते हैं, ठीक है। ये 4 नंबर में आता है, आपको आसानी से समझ आएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं करा प्लीज़ कर लीजिएगा। क्या करा मैंने यहाँ पर, सबसे पहले क्या करा, 3 टॉपिक लिख लिए हैं। क्या लिख लिए, एक साइड पे परीक्षण, ये सभी अंतरों में कॉमन होगा। परीक्षण आपको लिखना ही लिखना होगा, ठीक है। परीक्षण सेकंड साइड पे हमारा फिनॉल, थर्ड साइड पे हमारा एथिल अल्कोहल, ठीक है, जिसमें हम लोग अंतर करा रहे हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट बाई पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा नीला लिटमस पेपर, ठीक है। नीला लिटमस पेपर क्या होता है, लाल हो जाता है, ठीक है। एथिल अल्कोहल में क्या होता है, नो रिएक्शन देता है, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होती। सेकेंड है हमारा पॉइंट उदासीन FeCl3 के साथ। FeCl3 क्या होता है, फेरिक क्लोराइड, ठीक है। क्या होता है, फिनॉल में बैंगनी रंग देता है। एथिल अल्कोहल में क्या होता है, नो रिएक्शन, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं होती है। थर्ड वाला हमारा पॉइंट है आयोडोफॉर्म परीक्षण, यानी कि आयोडोफॉर्म के साथ परीक्षण किया जा रहा है। तो क्या होता है, फिनॉल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है और आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तक जय भारत।